नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं हमारा मनोज ज्ञान चैनल। और आपका हमारे मनोज ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की 2021 और 22 की अपडेट लिस्ट आ चुकी है। मतलब इस लिस्ट में जिन लोगों के पिछली बार घर रह गए थे, हो सकता है उनका इस बार लिस्ट में नाम आया हो, तो इस लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप के। और दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो मुझे लास्ट में कमेंट में बताइएगा। और ठीक है दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर्च बार में टाइप करते हैं rhreporting.nic.in। इसको टाइप करने के बाद हम इसको सर्च करेंगे, मोबाइल में है तो गो कर देंगे। तो आपके सामने इस टाइप का एक लॉगिन खुलेगा, F6 FTO ट्रांजेक्शन समरी। इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक दो ऑप्शन होंगे, हम जूम करके दिखा देता हूँ, बैक और होम। इसमें हमको होम वाले ऑप्शन पर टच करना है। और दोस्तों, जैसे इसको टच करते हैं तो हमको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे फर्स्ट होगी फिजिकल, सेकंड होगी थर्ड, CED, तो लास्ट में आपको पहुँचना है H। तो H पे लिखा है सोशल ऑडिटिंग रिपोर्ट, फर्स्ट है बेनिफिशरी डिटेल ऑफ वेरिफिकेशन। इसको हम टच करेंगे। दोस्तों, जैसी साइट खुलती है ऊपर लिख के आएगा सेलेक्ट, तो ये हमको हमारा अपना स्टेट सेलेक्ट करने को बोलेगा हमसे। तो आप जिस भी प्रदेश से हैं उस प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ सेकंड ऑप्शन में सिलेक्ट करने को होगा। यहाँ पे आपको आपका ज़िला सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन में आपको फिर सिलेक्ट करने को बोलेगा। ये आपको ब्लॉक पूछेगा, आप जिस ब्लॉक से हैं उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार फिर सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो इसमें आपको अपना गांव या ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने को बोलेगा। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे आपको लास्ट में आपको रिपोर्ट पूछेगा किस ईयर की आपको रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमको लेटेस्ट चाहिए, तो हमारी 2021 और 22 की पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमसे इसको ऑप्शन का सिलेक्ट, तो इसमें बहुत सारी स्कीम आती हैं गवर्नमेंट की। अभी हमको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑप्शन देखना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर हमारे सामने इसका एक कैप्चा फिलअप करने को बोलेगा। जो आपका अगर प्लस में है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो इसको हम जोड़ लेते हैं जो भी आ रहा है हमारा। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। आपका अगर नेगेटिव होगा तो आप नेगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। मतलब जो इसका आंसर आएगा वो इसमें हम फिलअप कर देंगे। जैसे इसको हम फिलअप करते हैं तो हमारे पास सबमिट का ऑप्शन होगा, इसको सबमिट करते हैं। ये थोड़ी रिपोर्ट डाउनलोड होती है, थोड़ा टाइम लेगा, तब तक ये रिपोर्ट डाउनलोड होती है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। साइट ओपन हो चुकी है, नीचे इसके स्क्रॉल डाउन करते हैं। और स्क्रॉल डाउन को करने के बाद सबमिट के नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड एक्सेल और डाउनलोड PDF। आप जिस फाइल में, जिस फॉर्मेट में अपनी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि आपके गांव के लिस्ट में किस किस का नाम है और नहीं है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक किसी का नाम होगा तो नीचे भी स्क्रॉल डाउन दिखा देता है आपको। तो यहाँ पर है राम देवी करके इनका, तो इनका 2021 और 22 की लिस्ट में इनका नाम है आवास विकास योजना के अंतर्गत। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको जानकारी मिल सके सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।